जी, मेरा नाम हमारा विनोद यादव और भरोसा सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। हमारा बेटा रोहन यादव, जिसकी उम्र करीब 14 और वर्ष है, अभी तकरीबन एक साल से ज़्यादा हुआ था। कुछ दिक्कतें ऐसे दिखने लगी जब सामने, तो समझ में आया कि हाँ सी प्रॉब्लम है। सर स्टार्ट में ही हमने जब लगभग 14 या 15 महीने का हुआ था, फिर दिल्ली ले जाके एम्स हॉस्पिटल में दिखाए महीने रह के वहाँ, फिर एक साल बाद जो है सिटी स्कैन के लिए बोले थे तब भी एक महीने जाके रहा। उसके बाद हैदराबाद में भी जाके निजाम हॉस्पिटल दिखाया, लेकिन सर कोई खास इम्प्रूव जैसा कुछ कहीं दिखा नहीं। और भी जगह जहाँ जहाँ कोई बोलता था सर वहाँ भी हम लोग जाते थे दिखाने। सर पहले तो एक बार सर सुल्तानपुर में कैंप था, वहाँ जानकारी हुई थी। फिर एक बार लखनऊ दिखाने सर जब गए थे, तो वहाँ के डॉक्टर ओपी सिंह आठो सर्जन हैं, उन्होंने यहाँ के लिए सजेस्ट किया कि वहाँ अच्छे से इसका इलाज होता है, आप वहाँ दिखाओ। नमस्कार, रोहन यादव, जिसकी उम्र 14 साल है। सितंबर 22 में जब प्रयागराज त्रिशला फाउंडेशन में आए दिखाने के लिए, तो घुटने मोड़ कर चलते थे। घुटने के पीछे जो मांसपेशियाँ बहुत सख्त थी, तो उनका गेट एनालिसिस किया गया, उसमें पाया गया कि घुटने के पीछे जो मसल होता है बहुत टाइट था, हैमस्ट्रिंग मसल, तो उसमें सर्जरी का प्लान किया गया। सर कई सारी समस्याएं थी सर, पैर तो था ही था, बैठने में दिक्कत होती थी, कंधा थोड़ा सा उठा के चलना, खाने पीने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, ऐसे खाता था तो कुछ ना कुछ इधर उधर करता था। सर पहले देखे सर, और देखने के बाद बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, और करीब 3 महीने आपको यहाँ रह के इलाज करवाना पड़ेगा, जिसमें कंटिन्यू फिर थेरेपी चलेगी। सर्जरी में टेनाटोमी ना कर करके, लेंथनिंग ना कर करके, केवल एक टेंडन को ट्रांसफ़र किया गया पीछे से लेकर के मिडिल साइड में, सेमी टेंडिनोसिस मसल के टेंडन को। उसके बाद थेरेपी 4 महीने हुए। इन 4 महीने में उसने एकदम सीधा खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया, ताकत बहुत अच्छी आ गई, बैलेंस बहुत सुधार हुआ, और आशा करते हैं कि वो थेरेपी लगातार करते रहेंगे तो वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन सर्वल पासी बच्चों में लंबे समय तक फॉलोअप की ज़रूरत होती है, वो अभिभावकों को बताएंगे। 3 महीने आज पूरे लगभग हो चुके हैं, 2 दिन छोड़ के। बाकी इम्प्रूवमेंट में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हैं, पैर जो ऐसे उठा के चलता था थोड़ा सा, तो उसमें इम्प्रूव आया है, बैठने में इम्प्रूव आया है, पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई सर पहले से, काफ़ी चलता था तो पैर दोनों तरफ जो भागते थे वो आज थोड़ा सीधा चल रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम तक भटके हैं, क्योंकि कभी कभी सर प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता कि हम जाए कहाँ, जो जहाँ बोलता है वहाँ चल देते हैं, लेकिन इलाज के नाम पे अभी तक ऐसा कुछ ना के बराबर ही हुआ है सर, बस ऐसे जाँच में ही निकल जाता था। यहाँ आके इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, थेरेपी से और कंटिन्यू सारी चीज़ें सर चली, तो यहाँ से इम्प्रूव का दिखा हमें। ऐसे बच्चों को मैं सोचूंगा सर, ऐसे फाउंडेशन में यहाँ त्रिशला में आए और अपने बच्चों को ठीक करके अच्छा भविष्य देने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी सर हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम कहाँ जाए, कहाँ आए, कहाँ पे इसका इलाज हो पाए। हर पेरेंट्स करना चाहता है सर, पर वो प्लेटफॉर्म ही नहीं पाता, क्या ही बोले सर के लिए। वो बहुत से बच्चों को, चूंकि अपने बच्चों को तो मैं देख ही रहा हूँ सर, बहुत सारे बच्चों को भी देख रहा हूँ जो ठीक होके अच्छे से होके जा रहे हैं, तो एक भगवान की तरह है उनका सर काम। और फाउंडेशन में भी जितने लोग हैं सर फिजियोथेरेपिस्ट में, सब अच्छी मेहनत करते हैं, तो एक प्राउड फील होता है सर इन सब चीज़ों को देख के।